डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको गणित को रोचक व सरल कैसे बनाएं इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट, गणित विषय की जटिलता के कारण गणित विषय सामान्य विद्यार्थियों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। इस वीडियो में हम गणित विषय को सरल व रोचक बनाने के कुछ टिप्स बता रहे हैं। यदि इन टिप्स पर अमल किया जाए तो गणित विषय को सरल व रोचक बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रेरित करके गणित विषय से कुछ समय के लिए ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब उनके सामने गणित की कठिनाइयाँ और जटिलताएं सामने आती हैं तो भाग खड़े होते हैं। इसलिए गणित को सामान्य व्यक्ति से जोड़ने के लिए कुछ उपाय करने जरूरी हैं। हमारे विचार से गणित को सरल करने के कुछ तरीके हैं जिन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, गणित प्रयोगशाला का गठन। प्रत्येक विद्यालय तथा शिक्षण संस्थान में गणित की प्रयोगशाला होना आवश्यक है। गणित का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने से विद्यार्थियों की गणित ठीक से समझ में नहीं आती है। यदि गणित का सैद्धांतिक ज्ञान के साथ उसका प्रैक्टिकल ज्ञान भी प्रदान किया जाए तो गणित को समझने में आसानी होगी। जैसे यदि प्रिज्म के आयतन या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया जाए तो विद्यार्थियों के मन में एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्रिज्म की आकृति कैसी होती है और उसका आयतन व क्षेत्रफल निकालने से क्या तात्पर्य है। यदि प्रिज्म को प्रयोगशाला में दिखाकर फिर उसका आयतन व क्षेत्रफल समझाया जाए तो उनके मस्तिष्क में प्रिज्म की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, शिक्षकों का दायित्व। विद्यार्थियों पर सबसे अधिक प्रभाव शिक्षकों का पड़ता है तथा विद्यार्थी शिक्षकों के सीधे संपर्क में आते हैं। गणित विषय को रोचक व सरल बनाकर प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षकों का है। यदि गणित शिक्षक समर्पित भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाए तो काफ़ी हद तक गणित की समस्याएं कक्षा में हल की जा सकती हैं। शिक्षक को व्यक्तिगत तौर पर यह पता होता है कि अमुक विद्यार्थी का मानसिक व बौद्धिक स्तर कैसा होता है। व्यक्तिगत विद्यार्थियों के सम्मुख गणित शिक्षण में व्यावहारिक स्तर पर आ रही कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यदि उनका समाधान नहीं हो पा रहा है तो विद्यार्थी आपस में साझा करके उनका समाधान करके खोज सकते हैं। उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों में गणितीय संबोधनों का अभाव पाया जाता है, अर्थात वे ईटा, जाई, साई जैसे प्रतीकों का संबोधन ही नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित में रुचि नहीं होना, जिससे गणित की मूलभूत क्रियाओं पर मजबूत पकड़ नहीं हो पाती है। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर गणित शिक्षक को ध्यान देकर गणित को सरल व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। प्राथमिक कक्षाओं में गणित को रोचक बनाने हेतु खेल, संगीत, पहेलियों तथा मॉडल्स का उपयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, गणित को एंजॉय करके सिखाएं। यदि गणित विषय को एंजॉय करते हुए सिखाएं तो गणित को रोचक बनाया जा सकता है। गणित को पढ़ाते समय कभी कभी जोक्स का उपयोग भी करना चाहिए। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर जी, लोग हिंदी और इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं। टीचर ने उत्तर दिया, ज़्यादा 3-5 मत कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 खींच कर थप्पड़ मारूंगा तो 6 की जगह 36 नज़र आएंगे और 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार एक छात्रा को मैंने कहा कि मैं घर जाकर भोजन करके आ जाता हूँ, तो छात्रा ने कहा कि सर, मैं आपको यहीं भोजन करा सकती हूँ। मैंने कहा, कैसे। छात्रा ने उत्तर दिया, माना यह दाल है, माना यह रोटी है, अब इसे खा लो। मेरी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। इसी प्रकार के और उदाहरण लिए जा सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, SSC के बैच के एक शिक्षक समय और दूरी पढ़ा रहे थे। प्रश्न इस प्रकार था, प्रश्न, कुत्ता 1 मिनट में इतना छलांग लगाता है, खरगोश 1 मिनट में इतना छलांग लगाता है, तो कितने समय में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। सवाल बोर्ड पर बताने के बाद टीचर ने दोबारा बच्चों से पूछा, कोई समस्या। एक बालक मासूमियत से पूछा, सर कुत्ता और खरगोश हैं तो दोनों जानवर ही। टीचर ने कहा, हाँ। बालक ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, हो सकता है कुत्ता इधर भागे और खरगोश उधर भागे। पांचवा पॉइंट, गणित को खूबसूरती से रोचक बनाएं। यह है, यूनिवर्स में सिर्फ 5 है जिनके वर्गों का योग करके अंकों को बदलकर इकाई के अंक की जगह दाई का और दाई के अंक की जगह इकाई का अंक रखने पर और उनका वर्ग करके जोड़ने पर बराबर होता है। जैसे 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर प्लस 78 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर बराबर 71 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 27 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर बराबर 72 स्क्वायर प्लस 69 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर बराबर 51 स्क्वायर प्लस 57 स्क्वायर, 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर प्लस बराबर 62 स्क्वायर प्लस 89 स्क्वायर। इसी प्रकार अन्य भी गणित के ऐसे तथ्यों जिनका उपयोग करके गणित में खूबसूरती लाई जा सकती है। छठा पॉइंट, इच्छा शक्ति बढ़ाएं। बहुत से विद्यार्थी गणित के सवालों और जटिलताओं को देखकर उनमें गुस्सा, चिंता, शर्म, ऊब तथा नाउम्मीदी जैसी भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं, जो कि नकारात्मक सोच है। ऐसी भावनाएं बालकों की सफलता में बाधक होती हैं।
इसलिए शिक्षक तथा माता पिता को बच्चों की इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नकारात्मकता मस्तिष्क की क्षमता को कम करती है, निष्क्रिय कर देती है, इसलिए उनमें सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए। सकारात्मक सोच से विद्यार्थियों में खुशी, रुचि, आनंद, उत्साह जैसी भावनाएं जागृत होती है, पनपती हैं। इन भावनाओं के सक्रिय होने से मस्तिष्क अधिक सक्रिय व सजग हो जाता है। ऐसे भाव पैदा करने के लिए उन्हें प्रेरक प्रसंग सुनाने चाहिए। गणित में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थियों में बेहतर अंक पाने वाले बच्चे उच्च शैक्षणिक उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। गणित के अध्यापन के प्रति सकारात्मक भावनाएँ और इसमें सफलता एक दूसरे को मजबूत करती है। शोधकर्ता रीनहार्ड पेकरून ने कहा कि विद्यार्थियों की भावनाएं उनकी गणित संबंधी उपलब्धियों को प्रभावित करती है। जो विद्यार्थी ज़्यादा तेज होते हैं उन्हें बेहतर ग्रेड तथा अंक मिलते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों को गणित में रुचि होती है वे भी बेहतर उपलब्धियां हासिल करते हैं। जर्मनी के म्यूनिक स्थित लुडविग मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति और ज्ञान संबंधी प्रदर्शन पढ़ाई के दौरान खुशी, चिंता और ऊब जैसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती है। सातवां पॉइंट, गणित को योजनाबद्ध तरीके से पढ़ें। गणित को रोचक बनाने के लिए गणित को सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाना चाहिए। सामान्य तथा निम्न स्तर के बालकों को यदि प्रारंभ में कठिन टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वे उससे घबराकर छोड़ देंगे और गणित में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए गणित विषय को कठिन, मध्यम तथा सरल भागों में विभाजित करके जो सरल टॉपिक है उनको पहले पढ़ाएं। सरल टॉपिक को पढ़ाते समय पिछली कक्षाओं की कमजोरी है उससे भी साथ साथ में दूर करते जाएं। जब पिछली कक्षाओं की कमजोरी और सरल टॉपिक पढ़ा दिए जाएं तो उसके पश्चात मध्यम स्तर के टॉपिक जो न तो कठिन है और न ही सरल टॉपिक है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे अंत में कठिन टॉपिक को पढ़ाया जाना चाहिए। आठवां पॉइंट, गणित की पुनरावृत्ति भी करें। गणित विषय को सरल व रोचक बनाने के लिए गणित विषय की बार बार पुनरावृत्ति करें। जो कठिन विषय है उनकी दो से अधिक बार पुनरावृत्ति करें। बार बार पुनरावृत्ति करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पुनरावृत्ति में नवीनता लाएं। एक ही तरीके व एक ही तरह के सवाल करने से विद्यार्थी बोर हो जाते हैं, इसलिए पुनरावृत्ति में नवीनता का समावेश भी होना चाहिए। नौवां पॉइंट, अतिरिक्त कालांश में गणित पढ़ाएं। जो विद्यार्थी कमजोर है उनको गणित विषय को अतिरिक्त कालांश में पढ़ाया जाना चाहिए। अतिरिक्त कालांश में उनकी पिछली कक्षाओं की कमजोरी को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से बालकों को उच्च कक्षाओं में जाने के बाद भी जोड़ गुणा भाग बाकी तथा भिन्नों के जोड़ गुणा भाग बाकी लैसे पे मैसे पे इत्यादि गणित की प्राथमिक जानकारी में पकड़ मजबूत बनाएं। दसवां पॉइंट, खेल संगीत मॉडल्स और पहेलियों का उपयोग। विद्यार्थियों की खेल संगीत मॉडल्स और पहेलियों में बहुत रुचि होती है, इसलिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में खेल संगीत मॉडल्स और पहेलियों के माध्यम से गणित को पढ़ाया जाए। अंत में आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी बात पसंद आई है उसे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।